बात समझने की कोशिश करो। तुम जानती हो मैं 2 महीने से बेरोजगार हूँ, जितने पैसे जमा थे मेरे पास सब खत्म हो गए हैं। तो हालात ऐसे नहीं है कि मुझे दूसरी नौकरी मिले। हम कब तक किराए के घर में रहेंगे? कल से तला के स्कूल भी खुल जाएंगे शुमाइला। हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें घर चलना पड़ेगा। ये तुम कह रहे हो आमिर, क्या तुम वो सारी बातें भूल गए? 7 साल पहले किस तरह जलील करके मुझे उस घर से निकाला था, अब दोबारा वहाँ गई तो ना जाने और कितनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शुमाइला मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, अगर घर खाली नहीं किया तो मालिक मकान सारा सामान उठा के बाहर फेंक देगा। मैंने अम्मी से बात कर ली है, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है। माफ़ कर दिया? आमिर गलती मेरी नहीं, गलती उनकी थी। 1 साल तक मुझे भागने के ताने देती रही और उस रोज तो उन्होंने हद कर दी थी, बच्चा लंके के मुझे घर से निकाला था। ठीक है। अम्मी ताहिर क्या हो गया? अम्मी इधर आए। क्या हो गया भाई? ला रहा है ये देखे क्या कर रही है ये। मैंने कहा था ना इस औरत का किरदार ठीक नहीं है। काश आमिर भाई ये मंजर देख लेते ना, ये रंग रलियां मना रही है यहाँ पे। अरे ये तो मैं पहले ही जानती थी, बहुत खाई खेली औरत है ये। अरे वो कमबख्त कौन था ये बता तू मुझे, और पिछली दफा तो कोई और आया था। अभी कहेगी ना ये मामूजात भाई था, और पहले जो आया था चचाजात भाई है। अम्मी मेरी घर पे जवान बहन है, कल को इस पर कोई उंगली उठाए तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा ना। अम्मी ताहिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। ताहिर भाई मैंने दुनिया की हर बुराई है, लेकिन वो ना कभी झूठ नहीं बोले। उनकी बात ना पत्थर पर लकीर होती है। लो नौबत यहाँ तक आ गई, अब इसके चाहने वाले हमारे घर का रास्ता देख रहे हैं। यहाँ नए नए तोहफे लेकर आ रहे हैं मैडम के लिए। बस कर दे यहाँ, कब से आप लोगों की बातें सुने जा रही हूँ, कुछ कह नहीं रही हूँ तो आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो मेरा मामूजात कजन था और उसे खुद आमिर ने भेजा है। देखा मैंने कहा था ना ये कहेगी मामूजात कजन था, कल को कोई आएगा तो कहेगी खालाजात कजन है, फुप्पोजात कजन है। अम्मी यहाँ भाइयों की लहन लगी हुई हमारे घर में। मैं तो कहता हूँ इस औरत का कुछ करें, इसको निकालें यहाँ से। अम्मी तुम ना तमीज से बात करो। ए, बड़ी भावाजू में अरे जो घर से भागने वाली लड़कियाँ होती है ना उनके लिए जो जुमला बोला जाता है ना वो लफ्ज क्या है? अम्मी 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 आप वो निगोड़ी की बड़ी बहन कहना चाह रही हैं? हाँ वही कह रही हूँ मैं। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे आमिर की वजह से, अब तेरे ये चौचले यहाँ नहीं चलेंगे। ये गलाजत हमारे घर में मत फैला अल्लाह के वास्ते। चल निकल। देखो आमिर कैसे ये लोग सब मिलके मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या हो गया और आप लोग सब यहाँ क्यों खड़े हैं? और शुमाइला तुम क्यों रो रही हो? पूछो इन लोगों से। भाई मगरमच्छ के आंसू है, मगरमच्छ के। ये ना अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तस्वे बहा रही है। मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, जान छुड़ा लें इससे वरना कल को किसी के साथ भाग जाएगी ये। निदा बस आवाज नीचे रख, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, छोटी बहन है तेरी जोरू के गुलाम। अरे निदा सही कह रही है, अपनी आंखों से देखा है उसने, पता नहीं यहाँ कौन कौन आता है। तोहफे तहारीफ आ रहे, तुझे क्या पता, निकाल इसको घर से। बस बहुत हो गया, 1 साल से इन सबकी ताने सुनती आ रही हूँ। पूछे आमिर से, उसे आमिर ने खुद भेजा था। मैं ये ठीक कह रही है, दरअसल मैं ऑफिस में मसरूफ था तो मैंने फैजान को फोन कर दिया, और आपके सर की कसम खाने को तैयार हूँ मैं। खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते मेरे सर की कसम मत खा। भाई अम्मी की झूठी कसम मत खाओ, पिछली दफा भी खाई थी ना तो अम्मी पूरे 1 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रही थी। और खुद तो आप घर पे पड़े हुए थे, मैं ही अम्मी के साथ अस्पताल में ख्वार हो रहा था। देख अब मैं कब्र में नहीं जाऊंगी, अब जाएगी तो तेरी बीवी, और निकाल इसको इस घर से। चल सामान उठा अपना और दफा यहाँ से। हाँ ठीक है जा रहा हूँ मैं, नहीं रहना आप लोग के साथ मुझे। अरे जा जा, क्या हमें धमकियाँ दे रहा है, हम समझ लेंगे तू मर गया हमारे लिए। हाँ सही है समझ लेना, चलो यहाँ से। दो औलादे हैं मेरी, चला जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से। बड़ा आया गुलाम, 7 साल हो गए आज भी उनके वो सारे इल्जाम मेरे कानों में गूंजते हैं, और तुम उस संदिल औरत की मुझसे हिमायत कर रहे हो। उन्होंने तुम पर भी एतबार नहीं किया था। और आमिर तुम्हें याद है तलहा जब होने वाला था कितना जुल्म किया था उन्होंने मुझ पर। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तलहा सही सलामत पैदा हुआ। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। शुमाइला मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरी मोहब्बत में तुमने अपना घर अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ बहुत जल्द हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, हमारा भी अपना घर होगा। लेकिन फिलहाल शुमाइला तुम्हें मेरे साथ अम्मी के घर चलना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास।
नहीं आमिर, उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं, मुझे अलग घर लेके जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। शुमैला, अभी नौकरी नहीं है मेरे पास, तुम्हें कहाँ से लेकर दूँ? ये सब मुझे नहीं पता। उस घर वापस नहीं जाऊंगी, इतना जुल्म हुआ है मुझ पर। अच्छा अभी फिलहाल चलो, मैं कोशिश करता हूँ, जैसी नौकरी लग जाएगी लेंगे दूसरा घर हम अपना। तो आसिफ, आखिर कब होगी हमारी रुखसती? 4 साल हो गए हमारे निकाह को, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? फिर वही रट, कहाँ ना हो जाएगी रुखसती। अम्मी खालिद से मिलने बाउलपुर गई हुई है, उनके लौटते ही बात करता हूँ। ये जुमला सुनते सुनते ना एक अरसा हो गया है। मुझे तो लगता है पता नहीं तुम्हारी अम्मी कभी लौटेंगे ही नहीं, और हमारी रुखसती के दरमियान ना तुम खुद रुकावट। मुझे ऐसा क्यों लगता है आसिफ के तुम उससे मोहब्बत ही नहीं करते? अरे क्यों नहीं है मोहब्बत, पर तुम भी जरा दम लो ना, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हो। अच्छा सुनो, मेरा दरवाजे का टाइम हो गया है, बाद में बात करता हूँ। ओके आसिफ, लेकिन मेरी बात, हेलो निदा, निदा, अरे यो कोतामा, अरे सुबह से तू यहाँ पे वर्चे खाने में हंडिया झोंक रही है, अरे पका रही है या उसे जला रही है? दिखा मुझे, इतनी बुरी बदबू आ रही है इसमें से। जली नहीं है अम्मा, हल्की सी लग गई है। अच्छा जली नहीं है, तेरी आंखों में आंसू क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, आंसू आंसू नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी लाल प्याजे लेकर आती हो ना, बस झड़प लग जाती है, आंसू रुकते ही नहीं है मेरे, और ढूंढ ढूंढ के लाओ। झूठ बोल रही है ना माँ से? तेरी माँ हूं मैं, ये प्याज के आंसू नहीं है, ये तू हकीकत में रो रही है। क्या हुआ बता मेरी बच्ची? अरे बोलती क्यों नहीं है, क्यों रो रही है? अरे ये बताओ किस लिए आवाज दे रही थी? अरे हाँ क्या बताऊं तुझे, आमिर यहाँ वापस आना चाहता है, हाथ जोड़ना था मेरे आगे, कह रहा है कि माँ मैं बेरोजगार हो गया हूँ, जॉब खत्म हो गई उसकी, ऊपर से खाने के लाले पड़ गए बेचारे के, माँ हूँ क्या करूँ मैं, कह रहा है कि मालिक मकान भी घर से निकाले, जूते मार रहा है वो उसको, धक्के दे रहा है कि निकल यहाँ से, जाहिर है कोई मालिक मकान बगैर किराए के रखेगा किसी को, और ऊपर से लौंडे को भी स्कूल से उठा लिया, कितना परेशान है मेरा बच्चा। वाह वाह माँ, तुम बड़ी महान हो, यकीन करो, मतलब लौंडे को स्कूल से निकाल दिया, भाई को जूते मार के निकाला जा रहा है, घर में फाके हो रहे हैं, है ना? मुझे लगता सब भूल गई तू, है ना? लौट के बुद्धू घर को आए, वो चिंडाल मारी फिर हमारे सर पर नाजिल हो रही है, याद नहीं कितने इल्जाम लगाए थे? हाँ भाई मैं तो बुरी ठहरी, मैं तो भाई डायन हूँ, वो ऐसी डायन जो जिसने ना 7 घंटे छोड़े अपने ही भाई की बीवी को डस लिया, है ना, और फिर भी यहीं पर आ रहे हैं। अरे तू आने तो दे, मैं कौन सा उसे महारानी बना के रखूंगी, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, तू देख। चलो ठीक है आ जाए, कहाँ रहेगी हमारे सरों पर है? अरे वो घोड़ी जब आई थी जिस कमरे के अंदर है भाग कर, वहां तो अब ताहिर भाई ने कब्जा कर लिया, और तुम्हें पता है उनका गुस्सा तो नाक पर आ रहा था, अरे भैया वो तो सीधा बोलेंगे गेट आउट। ये हमारा सहन है, इतना बड़ा सहन है, यहाँ रहेंगे, ऊपर से देख नीम का दरख्त कितना बड़ा फैला हुआ दरख्त है, तेरे दादा के जमाने का है, उन्होंने लगवाया था, कितनी ठंडक होती है नीम के दरख्त पे, और हमारे महल्ले के लड़कों को नहीं देखा कैसे नीम के दरख्त के नीचे आना के ठंडक पे बैठ जाते हैं उसकी छाव में, अरे वो भी रहेगा, 2-4 चारपाइयां डाल दूंगी, कहूंगी रहो, पता चले ना उनको भी। वाह वाह, मुझे ये बात बता, वो निकोड़ मारी जब गई थी तो क्या इल्जाम लगाया था? अरे अम्मा उस नीम के दरख्त के ऊपर तो चुड़ैलें रहती हैं, और इल्जाम भी ये लगाते हैं कि ये घर तो आसिफ का था, बोलो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं।
काहे मुझे ना यहाँ गले कोने पे उतार देना, कहीं फैसला भाई ने देख ले। अरे एक तो तुम्हारे इस भाई से तंग हूं मैं, बड़ा डयूस है ये, दिल तो करता है कान के नीचे लगाऊं मैं इसके। बकवास बंद करो, भाई है मेरा। अच्छा भाई है, चलो। अच्छा ये बताओ फिर कब मिल रही हो? जब भी मिलूं, लेकिन कम से कम उस बिरयानी के ठेले पे लेके मत जाना, कंजूस कहेंगे, सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में देते हो। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रही है? ले जाऊंगा ना बर्गर खिलाने के। बस किसी भी वक्त एटम बम गिरने वाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आ बेटा इधर आ, देख रही है इन लोगों ने ये तक नहीं बताया कि मैं इसकी दादी हूँ। कैसा सहमा हुआ है, देख बिल्कुल ननिहाल पे गया है, लेकिन रंगत मुझ पर गई है। अरे बेटा अब तू अपनी दादी के पास आ गया है, सब ठीक हो जाएगा, तेरी ऐसी तरबियत करूंगी मैं कि सारी बदतमीजियां निकल जाएंगी। अरे अम्मा तुम अभी कहती ना इसे कि मैं वही डायन हूँ जिसको दिन भर तेरी माँ गालियां देती है, तो फौरन भाग कर आता। अरे अम्मी मैं बता नहीं सकता आप लोगों से मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है, यकीन करें बहुत खुश हो गया दिल में। और अम्मी अपने तो अपने ही होते हैं ना, क्यों शुमाइला? हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे इससे क्या पूछता है, ये कोई हमारी मोहब्बत में थोड़ी आई है, लालच लेकर आया है इसको। शोहर की नौकरी छूट गई, मकान मालिक जूते मार मार के निकाल रहा है, बच्चे का स्कूल छूट गया, जब तो ये यहाँ पर आई है। लेकिन बीबी मैं तुम्हारी पुरानी बातें भूली नहीं हूँ, जो तुमने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ किया था। आंटी ताली दोनों हाथों से बजती है, और पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, और गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम पर इस घर का कर्ज है और कर्ज तुम्हें ही चुकाना है। घर का काम का झाड़ू पोछा सौदा लाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, घर के काम में निदा भी मेरा हाथ बटाएगी। अम्मी हम रहेंगे कहाँ पर? है इतना बड़ा घर है, जहाँ दिल चाहे रहो, और हाँ अपना सामान जो है वो स्टोर में डाल दो। क्या मतलब, घर में तो तीन कमरे, एक में आप, एक में निदा, एक में ताई, हम लोग कहाँ रहेंगे? भाई देखो दिन तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा, रही रात तो भाई सोने के लिए बिस्तर शेड के नीचे डाल लेना। जमीन की तरफ की इतनी ठंडी हवा आती है कि ऐसे वैसे सब भूल जाओगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, हम सहन में सोएंगे, और इतनी ठंडी हवा तुम्हें पसंद है, तुम जाके सो लो वहाँ पे। अच्छा मैं अपनी कुंवारी बेटी को बीच चौराहे पे सुला दूँ है, और तू एसी में सोए? वाह भाई वाह, मेरी बच्ची पांच वक्त की नमाजी है, पर्देदार है, कोई बेगैरत नहीं तेरी तरह। बड़ी आई, और हाँ कान खोल कर सुन ले, ये कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, शुक्र करो कि गैस बिजली लाइट सबके बिल मैं भरूंगी, मुफ्त का खाओगी तुम लोग। बढ़िया ही नखरे दिखाने वाली। तो आप भी कोई अपने पास से बिजली का बिल नहीं भरेंगी, आपकी भी शोहर की पेंशन आती है। लो जी घर में दाखिल होने की लल्लो शुरू हो गई इनकी, और देख रही हम आपकी पेंशन पे नजर है इसकी, कितना कम आती है, कब आती है पेंशन, कहाँ रखती है पैसे। निदा जिस घर में तुम जैसे लोग रहते हो वहाँ किसी और का काम नहीं है रहना। मायला अभी हालात ठीक नहीं है, गुजारा कर लो, हालात बेहतर हो जाएंगे, ऊपर कमरा बना लेंगे हम, तुम ये सारा सामान स्टोर में रखो। क्या भाई जाल मारियों में ताले लगा, पता चल रहा है सामान लेके ही भाग गई हमारा, चल जा जल्दी से। और आमिर बैठ यहाँ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ये जो निदा का शौहर है ना आसिफ, अरे रुखसती को 4 साल से टाल रहा है। अम्मी वो आदमी ठीक नहीं है, निकाह से पहले आप मशवरा तो कर लेती किसी से। अल्लाह मिलाए जोड़ी, एक अंधा दूसरा कोड़ी। ये कोड़ी किसको कहा तुम? हाँ अरे कोड़ फूटे तुम्हें, और कोड़ी से मिलता एक लफ्ज है ना, वो तुम हो। अरे छोड़ इस किस्से को, अगर मैं मशवरा करती भी तो किससे करती, तू तो रिश्ते नाते सब तोड़ के चला गया था, तेरा बाप मर चुका है, अब सब कुछ मुझे ही तो करना था ना, किससे मशवरा करती बता मुझे अब। ठीक है मैं बहुत जल्द उस आदमी से मिलता हूँ। अबे क्या कर रहा था ये? क्या हो गया? अरे अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? मैं तो लिफ्ट देने आ रहा था।
अरे भाई माफ कर, चल भाई चल भाई, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? क्यों मार रहे हैं इसको? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मेरे घर की इज्जत पे हाथ डालेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन को बरगलाता है तो मैं कत्ल कर दूंगा तेरा, कत्ल। वैसल भाई, इसको मारने से बेहतर है कि आप अपनी बहन से सवाल करें। अरे वो मेरी बहन है, मैं उसे समझा दूंगा, मगर मैं बोल रहा हूँ इसको काबू में रख वरना कत्ल कर दूंगा मैं इसका। अरे ऐसे कैसे कत्ल कर देगा? बड़ी गुंडागर्दी लगा रखी तूने हमारे मोहल्ले में आके। चल निकल यहाँ से, अपनी बहन को संभाल जाकर। चल बदमाशी किसी और को दिखा। ओ आंटी, वो अपनी अम्मा को संभाल अल्लाह के वास्ते। मैं औरतों से ज्यादा फालतू बातें नहीं करता हूँ। मेरी बहन को बरगलाता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका कत्ल कर दूंगा, ये बता के जा रहा हूँ मैं। अच्छा आप जाएं। अरे आप लोग अंदर चलें, आप लोग अंदर चलें। अरे अम्मी अंदर चलें, आपको अरे अम्मी अंदर अंदर अपनी बहन से सवाल करें। देख लूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा दरवाजा बंद करके जाता है ना, बताऊंगा मैं तुम लोगों को। मेरी बहन के साथ तुम लोग खेल खेल रहे हो ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। मना किया था ना मैंने तुम्हें, मना किया था ना मैंने तुम्हें कि ताहिर से नहीं मिलना। निकाल दिया ना इज्जत का जनाजा पूरे महल्ले में हमारा। इससे अच्छा था तुम अम्मी अब्बू के साथ एक्सीडेंट में मर जाती, कम से कम हमें ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। तो भाई आप मारते मुझे, अपने हाथों से मारते, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, मैं तो उससे बात तक नहीं करती। भाई झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा तुम्हें उससे बातें करते हुए। भाई वो अधूरा सच था, वो एक अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जगह जगह मेरे रास्ते रोकता है आकर। वो इतनी मनहूस शक्ल का है ना, मुझे उसको देखकर भी घिनाती है। भाई मैं उससे कैसे बात करूंगी? भाई अगर तुम सच बोल रही हो ना तो खाओ अपने भाई के सर पे हाथ रख के कसम, खाओ। भाई मैं आपको सगी कसम खा के कहती हूँ, मैं उसे नफरत करती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती। अब तूने कसम खा ली है ना, अब देख तू मैं उसका क्या हश, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उल्टा आता करे इसने छोटी कसम खाई। आमिर तुम्हारी माँ की खिदमत तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये तुम्हारी बहन की चाकरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती यार। जल्द से जल्द इसकी रुखसती का इंतजाम करो ताकि सुकून मिले, कब तक हम लोग इस खुले आसमान तले पड़े रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत जल्द आसिफ से मुलाकात करता हूँ, समझाऊंगा उसे मेरी बात, और जरा अच्छी तरीके से समझाना ताकि इस बात का कोई तो हल निकले। कल किस टाइम जाओगे? कल शाम को जाऊंगा मैं। मेरी शर्ट निकालो, मुझे ऐसा करना है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। तुम मुझे धमकी देने आए हो? छोटी के भी पर निकल आए। सिर्फ मैं तुम्हें धमकाने नहीं, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। निदा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम कब तक इसका बोझ उठाएंगे? इंसान अपने खानदान पर बोझ हो, उसे आज अपनी बहन भी बोझ लगने लग गई, हद है बेशर्मी की भी। सिर्फ तमीज से बात करो तुम। अब तुम जैसा बेरोजगार बेकार शख्स मुझे तमीज सिखाएगा, नहीं करता हूँ मैं रुक सकती। जाओ उसका रिश्ता ढूंढ लो, और हाँ खुला के लिए केस भी कर दो। आसिफ ये तुम ठीक नहीं कर रहे, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। मुझे भुगतना? मुझे नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को भुगतना होगा। मैं नहीं करता हूँ रुखसती। अब वो वहीं बैठेगी और जब तुम उसका बोझ उठाओगे तो थक जाओगे ना, तो उसे किसी यतीम खाने में जमा करा देना। आसिफ खबरदार, मेरी बहन देख ले मायना, घटिया सामान इस्तेमाल किया तुमने। अगर नहीं कि आमिर उसका हाथ उठाकर सारी कीमत पड़ेगी। तेरा भाई मिला था मुझे, धमकियां देकर गया है, कह रहा है कि पुलिस थाने में मेरी कंप्लेन करवाएगा। कि मैं तुझे हिरासा करता हूँ, तुझे छेड़ता हूँ, और तूने क्या किया? मेरा साथ देने के बजाय मेरे खिलाफ गवाह बन गई। यही मोहब्बत थी ना तेरी? नहीं ताहिर ऐसी कोई बात नहीं है, भाई बहुत गुस्से में थे, अगर मैं ये बहाना नहीं बनाती ना तो मुझे जान से मार देते। तुम समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश?
समझना तुम्हें है नौशीन, तुमने आगे एक होना है, शादी करनी है। आज नहीं तो कल सबको ये बताना होगा। बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं ताहिर। भाई बहुत गुस्से में, कहीं ऐसा ना कुछ कर बैठे हो। कोई आ रहा है तो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बोर करके रख दिया इसने। अरे हाथ टूट गए क्या तेरे? हाथों में दम नहीं है? सुबह से लेके दोपहर हो गई, अभी तक झाड़ू नहीं लगी और सारे बर्तन वहाँ किचन में पड़े हुए मैंने सुबह के नाश्ते के। अरे तुझसे अच्छे तो जानवर हैं, बल्कि जानवर तो पाक होते हैं। तू तो हशरातु लार्ज है, लाल बेग है, तू घिन होती है मुझे तुझसे, देखने को भी तुझे दिल नहीं चाहता। बदतमीजी करने के अलावा अगर आप और आपकी बेटी भी इन सारे कामों में मेरा हाथ बटाए ना, तो ये सारे काम कब के खत्म हो जाए। बस मुझे नौकरानी बना के रख दिया। अच्छा तो तुझे शहजादी बना के रखे, लेडी डायना है तू, हैं? हम ब्याह कर लाए तुझे, इज्जत से ढोल ताशे हुए हमारे घर में, जो तू इस तरह हम पे हुकुम चला रही है, शर्म कर तू, भागी भी। हाँ हाँ मिल गया था कुंती, मुझे बर्बाद करके आई थी ना यहाँ पर। क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? देख लिया ऐसे बन रही जैसे कोई खबर नहीं। ये घाट है तू, तेरा मंसूबा था ना तो मेरा सुपरवाइजर पता ना, और बता ना, छोड़ो। अरे मुझे तो बताने दो, हुआ क्या, क्या कह दिया तू, जा सकते हाँ। तुम बेचारे क्या कहेंगे अम्मी, गंडाल औरत ने भाई को भड़काया और भाई ने जाके आसिफ को इतना जलील किया और अम्मा ने जलील नहीं किया, दस लोगों के सामने, दस लोगों के सामने थप्पड़ मारा है। आमिर, अबे ओ आमिर, सुन रहा नहीं, सुन रहा, निकल बाहर जल्दी आ। क्या तमाशा लगाया तूने, क्या कह कर आ गया तू आसिफ को, तेरी बहन रो रही है। अरे मैं छोड़ूंगी नहीं। देख रहे हो आमिर कैसे कर रही है ये लोग मेरे साथ, कितना बुरा सलूक करते हैं ये लोग मेरे साथ तुम्हारे होते हुए। जब पागल तो नहीं हो, क्या कर रही है तुम? हाँ हाँ भाई मैं हो गई हूँ पागल, और पागल किया है तुम लोगों ने मुझे। तुम लोगों ने साजघाट किया है। क्या किया, रिश्ता तुड़वाना चाहते हो ना तुम? मैं अपना घर तो बसा लिया भाई, पर इस मासूम बहन पर तर्स नहीं आया है ना, मेरा घर बसने से पहले उजाड़ना चाहते हो। निदा तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं शुमाइला के कहने पर नहीं बल्कि अम्मी के कहने पर आसिफ से मिलने गया था। अरे मैंने तुझे आसिफ से मिलने के लिए कहा था या ये कहा था कि दामाद पे हाथ उठा उसे मार जाके? जरूर इस मनहूस औरत ने तुझे सिखाया होगा। अरे इसने अपने बाप की इज्जत तो खाक में मिला दी, और हाँ इसका बाप वो भी रिश्वत खोर निकला, नौकरी से भी निकाल दिया उसे। अब जा किसके पास जाएगी तू, अब देखती हूँ मैं। तेरे बाप का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बहुत शरीफ इंसान है। मैं पागल थी जो आपकी इस बेटे के चक्कर में घर से भागी। अरे अम्मी सब बाप नहीं इसकी माँ को बोले आप। अरे मुझे तो लगता है इसकी माँ ने भी ना बाप की शादी की थी। अब पता है आपको सुगरा खाना है ना, इसी के मोहल्ले में रहती है। पता क्या बता रही थी, क्या बताती, इसकी माँ का ना नाई कसाई हद तक सब दिवाली को मेरी छोड़ चक्कर चलाने में। और क्या बना बता रही थी, मजलूम है, है? माँ मर गई, मासूम है ये। अरे कोई ऐसे वैसे नहीं मरी वो, पता जहर खाया है उसने, वो भी किसके चक्कर में, वो भीख वाला नहीं है, के चक्कर में जहर खाया था इसकी माँ ने। मेरी माँ का नाम लेने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो आमिर तुम्हारे ऊपर कितने गंदे इल्जाम लगा रही है। इस घर में मैं रुकूंगी नहीं, जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे अपनी बीवी को देखने, मेरी बच्ची पे मासूम पे इल्जाम लगा रही है, हाथ उठा रही है, उसको मार रही है। अम्मी मुझे माफ कर दे, देखे क्या हो गया मेरे साथ, ना मैं भाग के शादी करती ना ये सब कुछ मेरे साथ है। और जिस इंसान के लिए मैंने भाग के शादी की उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैं कहाँ जाऊँ अम्मी? अब तो अब्बू भी मेरा साथ नहीं देंगे, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मैं खुदकुशी कर लेती। अब्बू आप नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, आखिर तुम्हारा बाप जिंदा है अभी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया बेटा, सब सुन लिया है मैंने। अब्बू मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। नहीं नहीं अगर बाबा अपनी औलाद को माफ ना करे तो दुनिया भी उन्हें माफ नहीं करती और आखिरत में खुदा भी उनको माफ नहीं करता बेटा।
अभी तेरा बाप जिंदा है। चल मेरी बच्ची, चल चल मेरा बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा है मेरी बेटी। आ जा मेरा बेटा, आ जा मेरा बच्चा। भाई का आधा चेहरा झुलस के तहा का हाथ झुलसन, बाकी चेहरा महफूज है। डॉक्टर ने कहा है कि तहा जल्द ठीक हो जाएगा, मगर आमिर भाई को वक्त लगेगा। बता दे, पता नहीं मेरे बेटे को किन डाकर्ता गुनाहों की सजा मिल रही है। देखें, हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था। मैं हॉस्पिटल गया था आमिर का स्टेटमेंट लेने, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि अभी इनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे। सुबह हुआ क्या था आपके घर? हम सब लोग सो रहे थे और अचानक तलार आमिर भाई की चीखों की आवाजें सुनाई दी, और जब मैंने खुद जाके देखा तो आमिर भाई का चेहरा। ये गेट उस वक्त खुला हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, गेट तो उस वक्त बंद था। इसका मतलब है कुछ दीवार कूद कर अंदर आया। आमिर की बीवी कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं रहती? वो यही रहती है, उस दिन के लिए मर के चली गई है। भाभी को फोन किया है मैंने, आती होंगी। आप लोगों को किसी पर शक है? जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे उस फैसल पे शक है। उसने उस दिन आमिर भाई को धमकियां दी थी कि वो घर में घुस जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये उसी की दीवार है, इसी घर में रहता है, यहीं से कूद के आया होगा वो। मैडम, आमिर के आला खाना ने अपने पड़ोसी फैसल पर शक का इजहार किया है, और इस जुर्म के पीछे इंतकाम का जज्बा कारगर है। असल हदफ आमिर नहीं था बल्कि उसका छोटा भाई ताहिर था, क्योंकि अभी चंद रोज पहले ही मुल्ज़िम और ताहिर का आपस में झगड़ा भी हुआ था। झगड़े की वजह? मुल्ज़िम फैसल की बहन नौशीन, नौशीन और ताहिर एक दूसरे को पसंद है और यही झगड़े की वजह है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िम पीर की सुबह दीवार फैलान कर घर में दाखिल हुए और आमिर पर तजाद फेंके। मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कि अगर मुल्ज़िम का झगड़ा ताहिर के साथ था तो फिर आमिर पर क्यों वो तजाद फेंकर चला गया? मैडम, जल्दबाजी और घबराहट में उसे पता ही नहीं चला कि तहन में कौन सो रहा है, तेजाब फेंके चला गया। अच्छा, आपने ये जो मुझे रिपोर्ट दी है इसमें मैं देख रही थी जाए वारदात की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन आपकी टीम ने उस दीवार की तस्वीरें नहीं उतारी जिस दीवार के नीचे आमिर अपने बेटे के साथ लेटा था, क्योंकि मुल्ज़िम फैसल के घर और आमिर के घर की दीवारें मिली हुई हैं, और गालिबन आप उसी दीवार का जिक्र कर रहे हैं कि वही दीवार कूद कर मुल्ज़िम अंदर दाखिल हुआ। उस दीवार पर कोई फुटप्रिंट्स के आपको निशानात मिले हैं? कोई वहाँ पर अगर कोई कच्ची तैयारी वगैरह है उसमें के जूते के निशान मिले हैं? ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है। मैडम, अभी तक तो हमें कोई निशान नहीं मिले, लेकिन ये है हम टीम को लेकर दोबारा वहाँ जा रहे हैं और हम चेक करते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर बैठ। देखिए, जब हम मुल्ज़िम को कोर्ट में पेश करेंगे तो मुल्ज़िम फैसल का वकील ये तमाम सवालात अदालत के सामने उठाएगा कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद नहीं है, ना जाए वारदात से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ना ही उसके फुटप्रिंट्स मिले हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस किस्म का ये क्लोज नेट मोहल्ला है, दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं हैं, दूसरे के घर के सहन में आप बड़े आसानी से अपने छत से देख सकते हैं, तो जो आमिर है वो कोई पहली दफ़ा तो उस सहन में सो नहीं रहा था।
तो मुलजम फैसल को कैसे मुखालता हो सकता था कि उस दीवार के नीचे ताहिर नहीं आमिर सो रहा है। और तीसरी बात यह है कि वो दीवार इस कदर नीची है कि मुलजम को वो दीवार फलांग कर दूसरे के सहन में आकर ये वारदात करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने घर से ही दीवार पर बैठकर तेजाब फेंक सकता था क्योंकि वो पलंग तो बिल्कुल दीवार के साथ ही लगा हुआ। अब ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं और डिफेंस ये सवालात उठाएगी जिसकी वजह से मुलजम पर शक कम होगा। आप खुद भी तफ्तीश इस जाविये से भी करके देखें कि क्या किसी की आमिर के साथ ये दुश्मनी थी या ये वाकई में ताहिर की दुश्मनी में गलत फहमी की वजह से उस पर तेजाब होता। मैडम इस जाविये से भी हम तफ्तीश कर लेते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मुलजम है इसकी अपना जनरल स्टोर है और जो आमिर पे तेजाब फेंका गया है ये आम सफाई वाला तेजाब था जो घरों में यूज होता है और यही तेजाब मुलजम की दुकान पे भी दस्तयाब है। ताजिरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। पता कपड़े धो झाड़ू लगाओ मतलब ये कोई जिंदगी है? अगर आमिर भाई ने फितना नहीं डाला होता ना तो आज मैं भी अपने घर बार की होती। अरे धोती वहाँ पर कपड़े तो कोई बात भी होती। देखो पड़ गया ना मेरा सबर, पड़े हैं अस्पताल में मुँह चले कहीं आए लगेगी मेरी। अरे उठ जा जाकर देख कौन है दरवाजे पे। अम्मा तुम्हें नजर नहीं आ रही है? देखो कपड़े धो रही हूँ मैं। ताहिर, अरे ताहिर दरवाजे पे देख शायद दूध वाला है। आ रहा हूँ मम्मी। क्या मुसीबत है दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सुकून से बैठने भी नहीं देते हो। वाह आराम फरमाया जा रहा है। अरे मैं तो गैर थी, कम से कम बेटा और पोता तो अपने थे, मुझे घर से निकाल दिया लेकिन उनका तो ख्याल रख सकते थे लेकिन नहीं तुम लोगों से उनका ख्याल भी नहीं रखा गया। अभी आवाज नीचे करके बात करें एक सेकंड लगेगा मुझे तुम्हारा मुंह बंद करने में। आवाज और नजरें तुम नीचे करके बात करो, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना सब तुम्हारी वजह से हुआ। आशुकी माशुकी चक्कर में ना पड़ते तो मेरा शोर अस्पताल में नहीं होता। हाँ क्या बात है तुम्हारी, इतना ख्याल है ना अपने शोहर का तो यहाँ पर डकार नहीं मार रही होती, जाकर अस्पताल अपने शोहर की तीमारदारी करती। ओ माई सिविल अस्पताल में बंस वार्ड में जाओ, जाकर तीमारदारी करो उसकी, हमें यहाँ पहुँचने मत दो। अरे ये तो अपने हलवे मांडे की है, इसे क्या परवाह, शोहर और बच्चे को छोड़ के चली गई। अच्छा मैं हलवे मांडे की और आप जो यहाँ आराम करें वो कुछ नहीं, मेरा शोहर मेरा बेटा, आपका क्या लगा आप भी जाके पूछे ना उन्हें। मेरा बेटा तो झुलस गया ना, उसका पूरा चेहरा झुलसा दिया ना, पड़ा हुआ है वो अस्पताल में। अरे जब से तू हम लोगों की जिंदगी में आई है ये घर अस्पताल बन गया, सब मरीज हो गए, तूने हमारी खुशियों को डस लिया, अच्छा खासा हमारा घर था। अम्मा तू तो चुप करके बैठ जा, तुम बताओ क्यों आई हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो मैं आमिर से मिलने गई थी, उसने मुझे कहा कि कपड़े लाके दे दो इसीलिए आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं यहाँ आने का। भाई जल्दी भागो जाओ कुछ रोना ले, निकाल के ना ले जाइए, फितरत थोड़ी बदलेगी इसकी। सही कह रही हो अम्मा, कोई चिंडाल है चिंडाल, देखो क्या कर दिया हमारे भाई के साथ। देखिए इंस्पेक्टर साहब मैंने पेशी से पहले भी अपने खदशात का इजहार किया कि डिफेंस का लॉयर वो तमाम सवालात उठाएगा कि आपके पास शवाहिद कहाँ हैं मुलजिम के खिलाफ, और वही हुआ। उस दीवार पर से मुलजिम के ना हमें फुटप्रिंट्स मिले ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और ना कोई ऐसे शवाहिद मिले कि वाकई में मुलजिम दीवार फैलांग कर सहन में आया था, ना तो दीवार के साथ पड़े हुए गमले अपनी जगह से हिले थे ना उनमें से कोई गमला टूटा था। तो ये मफरूजा तो बिल्कुल ही रद्द हो गया कि दीवार फैलांग कर कोई सहन में आया और वारदात हो गई। मैंने कहा था कि देखिए आप इस जाविये से भी इन्वेस्टिगेट करें कि हो सकता है किसी की आमिर के साथ ही दुश्मनी थी और आमिर को ही निशाना बनाया गया था। इसी जाविये से डिफेंस ने एक नया सस्पेक्ट लाकर सामने खड़ा कर दिया कि आमिर की अपने भिनोई आसिफ के साथ दुश्मनी थी। मैडम आसिफ से तो हम भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं, हमें लगता है कि वो रिपोर्ट हो गया है, लेकिन एक दो दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। मैडम अगर हम डिफेंस के इस मफरूजे को मान भी लें कि मुलजिम दीवार फलांग के नहीं बल्कि मेन गेट से आया, तो भी आसिफ कैसे, उसका तो अभी निदा से सिर्फ निकाह हुआ है, स्थिति बाकी है,
ना उसका घर पे इतना आना जाना है, उसके पास चाबियां कहाँ से आई? ठीक कह रहे हो तुम। हमने अभी तक सारी इन्वेस्टिगेशन का फोकस इसी बात पर रखा है कि आमिर या ताहिर की घर से बाहर किसी से दुश्मनी थी और कोई दीवार फलांग कर आया है। हमने उस घर के फैमिली मेंबर्स को अभी तक शक की नज़र से नहीं देखा। दोबारा से तफ्तीश करें, देखें उस घर के अंदर किसी की आमिर से कोई दुश्मनी थी और आमिर को नुकसान पहुंचाकर किसको फ़ायदा हो सके। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि उस मेन गेट की चाबियां किस किस के पास हैं, उस चाबी की कॉपीज किस के पास हैं या उस चाबी तक रसाई किसको हासिल हो सकती है। और इन जावियों से जब आप तफ्तीश करें तो जो लोग भी शक के दायरे में आते हैं उन तमाम लोगों के सेलफोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाइए और वारदात के रोज़ की सेलफोन लोकेशन भी निकलवाइए। ठीक कह रही हैं मैम, ये छानबीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर मेरा जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सर ताल्लुक कैसे नहीं है तेरा? आमिर को धमकी दी थी ना, और उससे झगड़ा भी हुआ था तेरा। धमकी देने पर ये साबित नहीं होता है उस पर पेशाब थे। धमकी से तो नहीं होता, लेकिन तेरे सेल फोन की लोकेशन ये साबित कर रही है कि तू उस वक्त जाए वारदात पर था। तेरा फोन एक्टिव था उधर, पता था या नहीं? हाँ सर, मैं रात 12 बजे गया था वहाँ सर। मैंने फैसला कर लिया था, मैंने नीता को तलाक दे दी। और मैं सर जानता था कि वो लोग आज मेरे माफ नहीं कराएंगे, इसलिए मैं सर वहाँ से वापसी आ गया। वारदात तो सुबह हुई थी, मैं तो वहाँ नहीं गया था सर। ये बात है तो ये बता, कल सुबह 6 बजे तू कहाँ पे था? आसिफ से होने वाली इन्वेस्टिगेशन तो लाहसिल रही। उसके पास एलिबाई है कि उसकी वालदा भावलपुर से आ रही थी और वो उन्हें लेने के लिए कैंट स्टेशन गया था। माँ की फुटेज निकलवाई है, उसमें वो नज़र आ रहा है। यानी फैसल के बाद अब आसिफ भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट से खारिज हो जाता है, तो फिर हमारा शक अब किस पे जाता है? देखिए, आमिर का घर वालों से भी कोई इख्तलाफ तो था नहीं, और वो उसके बच्चे को तो बहुत मोहब्बत करते थे, वो कैसे फेंक सकते हैं उस पर तेजाब। हाँ, उनका अपनी बहू शुमाइला से ज़रूर इख्तलाफ था। ये सारी सेलफोन की लोकेशंस और रिकॉर्ड आपने ही मुझे दिए, इसमें आपने शुमाइला की सेलफोन लोकेशन देखी? सबसे ज़्यादा शक तो उस पर जा रहा है। मैं भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? एक माँ अपने बच्चे पर तेजाब कैसे फेंक सकती है? ये नामुमकिन है। बीबी, यही एक नुक्ता है जिसकी वजह से आप पर अभी तक शक नहीं किया जा रहा। हालांकि पुलिस को यकीन हो गया था कि मुलजिम दीवार कूद के घर के अंदर नहीं दाखिल हुआ, बल्कि दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इससे तो साफ जाहिर होता था कि जिसने भी ये वारदात की है वो घर का ही इंसान है जिसके पास उस दरवाजे की चाबी थी। देखिए, आपकी बेटी अकेले इतना बड़ा काम तो कर नहीं सकती। हमें शक था कि इसके साथ कोई ना कोई जरूर शामिल है। जब हमने आपकी सेलफोन लोकेशन मालूम की तो पता चला कि आप ही अपनी बेटी के साथ अपने दामाद के घर गए हुए थे सुबह के टाइम। हाँ, मैं गया था, लेकिन धोखे से ले गई मुझे, इसने अपनी महरूम माँ का बहाना बनाया। मेरी बीवी के पास एक लॉकेट था, वो उसकी आखिरी निशानी थी। इसने बहाना बनाया कि वो अपने ससुराल में वो लॉकेट भूल कर आ गई है और गेट की चाबी इसके पास है। अगर मैं इसे वहाँ ले चलूं, तो ये खामोशी से वो लॉकेट लेकर आ जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि पद्नामी का एक और दाग लगाएगी ये मुझ पर। अब्बू सच कह रहे, इन सब में अब्बू का कोई कसूर नहीं। मुझे आमिर पर शदीद गुस्सा था। जिस तरह मेरी सास ने मुझे घर से निकाला, आमिर खड़ा तमाशा देख रहा था।
कुछ दिन बाद वो मुझे मनाने आया था, मगर उसने जो शर्त रखी थी वो मुझे कबूल नहीं थी। मायला घर चलो, इतने दिन से तुम यहाँ पर हो, सारे परेशान हो रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यहाँ पर। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो अपने घर वालों को छोड़ना होगा। आज तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, क्योंकि घर बार तो है नहीं आजकल तुम्हारे पास। बहन के घर भाई और ससुराल में जमाई, दोनों की हालत कुत्ते जैसी होती है, और मैं जानता हूँ आप मुझे घर दामाद बनाकर जलील करना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम, अपनी जुबान बंद रखो, वरना वरना क्या, वरना मार लेंगे आप मुझे। मैं आपका मंसूबा जानता हूँ, इसे खुला दिलवा कर कि किसी दौलतमंद बुड्ढे से शादी कराना चाहते हैं, ताकि अपने दामाद की दौलत पर ऐश कर सके शातिर इंसान। बस करो आमिर, मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतना गिर सकते हो। गिरा गिरा तो अभी नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम मुझे अलग घर लेके दो, उस घर में तुम्हारी माँ बहन के साथ मैं नहीं रुकूंगी। क्या बच्चों की बातें कर रही हो, तुम्हें मालूम है मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, तुम्हें दूसरा घर कहाँ से लेकर दूँ, तुम्हें मेरे साथ उसी घर में रहना पड़ेगा, और अगर नहीं आना चाहती तो मैं दूसरी शादी करूंगा। क्या दूसरी शादी? अरे पहले हमारी बेटी को घर से भगाया, हमारी इज्जतों को खराब किया, और अब दूसरी शादी करके हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? हाँ करूंगा दूसरी शादी, अगर ये मेरे साथ नहीं आना चाहती तो तलाक तो मैं इसे दूंगा नहीं, और दूसरी शादी की खबर आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, अम्मी ने मेरे लिए लड़की देखी हुई है। जिस शख्स की मोहब्बत में मैंने घर छोड़ा उसने मुझे दूसरी शादी का कहा, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, उससे मैं आकर मैंने उसके मुँह पर तेजाब फेंक दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा भी उसके साथ सो रहा होगा। गिरफ्तार करें इसे, लेकर चलें, बाकी बयान थाने में देना। चलो 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 दीदी चलो। तमाम तर हालात और वाकयात, पेश किए गए शवाहिद और वकला के दलाइल के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आमिर पर तेजाब का हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बीवी शुमाइला ने ही किया था। लिहाजा ये अदालत मुलजिमा शुमाइला को सेक्शन 336 के तहत 14 साल कैद और मुबलिक 7,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है, जबकि उसकी मावनत का जुर्म साबित होने पर मुलजिमा के वालिद साजिद खान को 3 साल कैद की सजा सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।